नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां अपने स्तर से चुनावी प्रचार में और तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कितनी सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि हमें 25 सीटें चाहिए, हालांकि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 70 से 100 सीटों पर तैयारी कर रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने जब पार्टी बनाई, नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा कहाँ है कि वो पार्टी चलाएंगे। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज हमारी पार्टी चल ही नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। जीतन राम मांझी ने अभिनंदन समारोह में नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी का विलय जदयू में कराना चाहते थे लेकिन हमने नहीं किया, हम लोगों ने साथ छोड़ दिया था। तब मेरा बेटा संतोष सुमन एक विभाग का मंत्री था, अब 3 विभाग का मालिक है। जीतन राम मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो मंत्रालय मिला है उसके बारे में मोदी जी ने कहा कि हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं, इस विभाग का बड़ा महत्व है। पीएम मोदी ने मुझे नीति आयोग में भी रखा है, हम नीति निर्धारण में भी सहयोग करेंगे। वहीं गरीबों के लिए नीति कैसे बने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी मुझे रखा गया है। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय एनडीए के अंदर आसानी से सीटों का बंटवारा हो गया था, हम लोगों ने 40 में से 30 सीटें जीती थी, हम जीत का जश्न मना रहे हैं और हार की समीक्षा भी कर रहे हैं। वहीं विधानसभा का चुनाव तो भविष्य के गर्भ में है, एनडीए के तमाम घटक दल बैठकर निर्णय कर लेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि बिहार में एनडीए परिवार की तरह है, 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए परिवार लड़ने जा रहा है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपस में हम लोग बैठकर सुलझा लेंगे। सीट लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि 2025 में 2010 से बेहतर रिजल्ट लाना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाना है, 2025 का चुनाव एनडीए के सभी दल मिलकर लड़ेंगे, सहमति से सीटों का बंटवारा होगा। अभी हमारे सामने चुनौती है कि केंद्र की नई सरकार के एजेंडे को लागू करना। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सरकार से यानी कि एनडीए से कितने सीटों की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कम से कम उन्हें 25 सीटें चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो 100 से 70 के बीच में सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और उस पर बीजेपी का भी बयान आता है। उनका कहना है कि जो भी सीटें होंगी वो आपस में बैठक करके सुलझा ली जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।